बात करेंगे अब्बासी शहीद अस्पताल के यंग डॉक्टर्स की जो अपने मुतालबात के हक के लिए केएमसी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए हैं। आपको ये भी बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में 13 रोज से हड़ताल जारी है। इसी बारे में बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, मुज़ाकरात का मरहला कहाँ तक पहुँचा? देखिए आज जो है वो 13 रोज हो गए हैं डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को अब्बासी अस्पताल के, और वो इस वक्त मेरे कैमरे में साजिद दिखा सकें, यहाँ पर जो है वो तमाम डॉक्टर्स हैं और उनके मुतालबात ये कि जो उनकी तनख्वाहें हैं वो फौरी तौर पर जारी की जाएं। और इस वक्त डॉक्टर मरियम मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग यहाँ पर आए क्या कहेंगे? देखिए आज हमारा 15वां रोज़ है, हम सरापा एहतजाज है। पहले दिन से लेकर आज तक ही हमारा एक ही मुतालबा है, वो ये है कि हमें हमारे हुकूक दिए जाएँ। हुकूक में तीन बुनियादी मुतालबात है कि फिल फॉर हमें हाउस ऑफिसर्स को 4 माह की और पीजीज को 8 माह की तनख्वाह दी जाए, हुकूमत सिंध की तरफ से जो इंक्रीमेंट है वो की जाए और हर माह बाकायदगी से दी जाए। ये बताएं कोई आपकी बात सुनने पर आमादा है? मेयर कराची आएंगे नीचे आपसे बात करने? ये तो कबल वक्त है कुछ कहना, मगर हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए कि हमें हमारा हक दिया जाए। हमें सिर्फ अब तक तड़पाया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, मगर हम तब तक अपना एहतजाज नहीं बंद करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हों। आप लोग यहाँ रहेंगी या सड़क को ब्लॉक करने जा रहे? अगला लाहे अमल हमारा यही है कि हम सड़क को ब्लॉक करेंगे और हमारा ये सारे इकदाम उठाने का मकसद एक ही है कि जो भी हुकाम है वो हमारी बात सुने। हमें लावारसों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, हमें कातिल बताया जा रहा है, हम ये चाहे मसीहा समझा जाए और कोई मसीहा। यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज जारी है कि एम सी बिल्डिंग के बाहर के मनाजिर आपने देखे। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आपने इस हवाले से अपडेट किया।